दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को कमजोर करने के बाद आप सभी को पता होगा बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में थे और बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे जो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर सरकार जो अपना तर्क दे रही थी वो कुछ अलग ही था। लेकिन आपको बता दूं आर्टिकल 370 को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने ये जो बयान दिया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है हैरान कर देने वाला है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है जम्मू कश्मीर में जो प्रतिबंध लगाए गए उनको हटाने की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने जो है मीनाक्षी लेखी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि कुछ राजनीतिक परिवारों ने जिन्होंने कश्मीर में पिछले दशकों में शासन किया है और जनता उनके भ्रष्टाचार से इतना गुस्सा है कि अगर कर्फ्यू में ढील दे दी जाए तो जनता जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों को लिंच कर देगी। ये कितनी बड़ी बात है, यानी कि उनका कहना ये है क्योंकि कर्फ्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग इसका विरोध कर रहे थे कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया है उससे बहुत सारे लोगों के यानी कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, यानी कि बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि हम कर्फ्यू में अगर ढील देंगे तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिंचिंग हो जाएगी, लोग उनको लिंच कर देंगे। आप समझ सकते हैं कितना गंभीर वो बात है। उसी के साथ साथ हालांकि लेखी ने कश्मीर की स्थिति का बचाव किया और कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू नहीं था और स्थिति सामान्य थी। लेखी ने कहा कि इंटरनेट पर पाबंदी जरूर थी क्योंकि इससे अफवाह फैलाने का खतरा था। चलो खैर इंटरनेट की तो बात बीजेपी प्रवक्ता ने कबूल कर ली कि इंटरनेट हाँ जरूर वहां पे बंद किया गया था, लेकिन ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था और अभी भी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं आपको बता देता हूं दोस्तों मीनाक्षी लेखी बीजेपी की एक तेज तर्रार प्रवक्ता है। जिन्होंने बात कही है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है क्योंकि उनका साफ ये कहना है अगर हम कर्फ्यू में ढील देंगे तो जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों को लोग लिंच कर देंगे। कितनी बड़ी बात है सोचिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। दोस्तों इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हाँ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।